सलाम अलैकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो आज जुमे का दिन है, मैंने अपनी सूरह जुमे पढ़ ली और सूरह कहफ पढ़ ली है। मेरी फजर की नमाज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग भी बताइए कि आप लोग जुमे के दिन क्या क्या पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज़। और आज बड़े ने मुझसे कहा है कि मुझे उठा दीजिएगा फजर की नमाज के लिए मम्मा, तो अब मैं उनको उठाऊंगी। देखिए देखिए आज उठती हैं कि नहीं उठती हैं। ये उठ के सो गई, अब कह रही आधे घंटे में उठूंगी। एक और स्टाइल सोने का, पलट गई। ये बिना कंबल लिहाफ किसी चीज के सो रही है, फाइनली उठ गई। और ये यहाँ वजू करती हुई फजर की नमाज पढ़ते हुए, माशाल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। पहले घी गरम कर लिया हमने, लग रहा ज़्यादा हो गया। इसमें दो इलायची एक लौंग डाल दी, अब इस सूजी डाल दी। सूजी डाल के अच्छे से भून लेंगे। घी ज़्यादा हो गया था तो कटोरी में निकाल के रख दिया मैंने। बस ये भून गया, गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम अपना दूध डाल देंगे। ये हलवा बड़ी बेटी की फरमाइश था। दूध डालने के बाद इसी में शक्कर डाल देंगे। सूजी को पकता हुआ छोड़ के मैं काजू काटने लगी, और फिर एकदम से पलट के देखा तो वो ऑलमोस्ट हो गया था, तो जल्दी से मैंने चूल्हा स्विच ऑफ कर दिया। और ये हम काजू भी डाल देंगे। और भी आपको कोई ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर रंग भी डाल देंगे जितना आपको चाहिए। बस ये हो गया है सारा मिक्स, अब हम इसको उतार लेंगे। सिंपल से हलवे की रेसिपी है ये। मैंने जितना बनाया था वो इन दो बोल्स में आ गया है, और मैंने ऊपर से इसको आखरों से सजा दिया। तो बताइए आपको कैसा लगा हलवा? अच्छा, लेकिन बहुत क्या बहुत अच्छा। मैंने गाजर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हलवा है, अच्छा है। अरे तो अच्छे से रिएक्शन दिया करो ना। तो अच्छा है, अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है। मगर बहुत मीठा हो गया ना। चलिए उसको साइड कर दिए, लीजिए पराठा आपका चारा गया। वहां उस साइड टेबल पर रख दीजिए, उस टेबल पर रख दीजिए। आपको कैसा लगा हलवा? अच्छा है, नाइस। इधर देखिए, इधर देखिए। आप ही ने तो कहा था मुझे चाहिए, तो मैंने दे दिया अचार आपको। आप ही ने तो कहा था मुझे अचार चाहिए, तो मैंने दे दिया आपको अचार। बेटा केक है, आपको केक की तरह लग रहा है। लॉन्ग थी, लॉन्ग लॉन्ग थी, खट्टा बहुत है। हाँ, वो खट्टा बहुत होता है, लॉन्ग खट्टी होती है। छोटी बेटी मेरे साथ खड़ी हुई थी पराठा बनाने के लिए कि अचानक से उसका हाथ तवे पे लग गया और वो जल गया, तो मैंने जल्दी से उस पर टूथपेस्ट लगाया। टूथपेस्ट लगा के फिर वो छुड़ाने लगी थी टूथपेस्ट, तो मैंने उसके ऊपर क्रेप बैंडेज बांध दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत अच्छी धूप निकली है, और ये देखिए रेसिंग करते हुए। क्या हुआ? ऐसे गिर गया था बच्चा, ऐसे जल दिया बच्चा। ऐसे दिल कहाँ चोट लगी? यहाँ पे जल गई थी। अजान हो रही है, ये कैसे खेलेंगे बताओ मुझे।
अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा काम करते हैं जी के लिए, चल आइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هواتلي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يه أذان کے بعد کی دعا جو میں پڑھتی ہوں चले नीचे चले थोड़ी बस। और ये जूस पीती हुई, क्या आपको पता है कोई भी शुगरी ड्रिंक्स या फिर जैसे कोला है, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक अगर पीजिए तो उसको हमेशा इधर देखिए स्ट्रॉ के साथ पीजिए, क्योंकि फिर वो सीधा जो है आपके पेट में जाता है और आपके दांतों में नहीं लगता है। अगर आप ऐसे ही पीते हैं तो आपके सारे दांतों पे लगेगा और वो ज़्यादा हमारे दांतों के लिए ख़राब होता है। तो ये था आज का डेंटल फैक्ट। यहाँ पर हम लोग दाल चावल खाते हुए, मम्मा आज मेरी पाचन मास हो गई। माशाल्लाह उनको देखिए क्या कर रही हो तुम, हैं क्या कर रही हो, थूक दिया मेरे ऊपर? नहीं पता, नहीं पता क्या? आज रात के खाने के लिए मैं बना चुकी हूँ भुना चिकन और इसके साथ हम खाएंगे रोटी और दाल चावल। आज जुमे का दिन खत्म हो गया। ओ देखिए छोटी पीछे आ रही है। बड़ी बेटी किचन में आई थी ड्राई फ्रूट्स लेने। दिखा तो दीजिए ड्राई फ्रूट्स लेने। चलिए जी बोलिए। ऐसे ही खा रही है बिना धुले? नहीं वो धुला हुआ था, दिखाइए कटा हुआ है ना ये। और आज सैटरडे शुरू हो गया। ये देखिए मुन्नी उठ गए, ये अभी नकली आइसक्रीम खाई जा रही थी है ना, मुझे भी खिलाई जा रही थी। अपना दूध बन खा के अभी खेल रही हैं। ये देखिए उठ गई, अपनी एक स्टोरी पढ़ रही हैं। इंग्लिश का रिवीजन कर रही थी, आज एग्जाम था तो उठते ही साथ फौरन स्टोरी पढ़ने लगी, क्योंकि यही स्टोरी टेस्ट में आएगी। मैंने ये सोफ़ा यहाँ पे लाकर रख दिया था, मुझे लग रहा था कि कुछ और कम्फी चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर भी जिस पे बैठ जाया जाए, मगर अब ये दरवाज़ा नहीं बंद हो पा रहा है। इसको बंद करने की कोशिश करो तो ये अटक रहा है। ये देखिए सोफ़ा हटाना पड़ेगा। छोटी को देखिए गाड़ी के साथ क्या करेंगे अभी। ये देखिए क्या शरारत हो रही है, ये क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को, क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को? भारी बहुत है तो उल्टी क्यों करी थी? सीधा करिए उसको। हाँ गुड गर्ल, अब उलटिएगा नहीं, गाड़ी आपकी बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ है, खराबी नहीं है कोई, ठीक है। सामान नहीं है, कहाँ गया सारा सामान?
वो सामान है। अच्छा अब लेने जाओगी, सौदा लेने जा रही हो। सामान गिर गया थोड़ा सा। पता नहीं क्या हुआ, बहुत अच्छी धूप निकली है और हवा भी नहीं है। हम लोग ऊपर आए हैं, धूप लेने के लिए। ये आइसक्रीम खा रही है, छोटी बन खा रही है। नीचे आ गए ऊपर से, और अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मा सलामा। बाय बाय कर दीजिए। नहीं नहीं करेंगी। ओ बाय कर दीजिए।